नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कन्यादान योजना के बारे में। आप लोग जो है इस योजना के बारे में भली भांति जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत आप लोगों को जो भी शादीशुदा करते हैं नए लोग, उन लोगों को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है, यानी कि एक सहायता अनुदान जो लोगों को दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था दोस्तों कि पहले आपको 50,000 रुपया जो है दिया जाता था कन्यादान योजना के तहत। अब दोस्तों आप लोगों को 1,00,000 रुपया जो है कि दिया जा रहा है। अभी जो दोस्तों इसके लिए आवेदन जो कि शुरू है, अगर आप लोग भी इसमें फॉर्म भर करके देना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट ही जानकारी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग को कन्यादान योजना का लाभ लेना है। ये दोस्तों योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा समाज कल्याण विभाग की तरफ से इन फंडों को जारी किया जाता है और उन्हीं के द्वारा जो है आप पैसा दिया जाता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को आवेदन करने का पूरा ही प्रोसेस बताने वाला है कि इसके लिए आप फॉर्म जो है ऑनलाइन भरेंगे या फिर ऑफलाइन ही भरेंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 2024 में आप लोग को फॉर्म किस प्रकार से भरना है कन्यादान योजना के लिए। ये दोस्तों वीडियो जो है केवल बिहार के लिए रहने वाला है। अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट ही देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप लोग को फॉर्म को भरना है। तो चलिए दोस्तों ले चलता आपको हम पीसी स्क्रीन पर, वहां पे ले जाकर हम आप लोग के साथ एडवेंचर जानकारी को शेयर करते हैं। बस आप लोग को काम ये करना है कि वीडियो को लाइक जरूर आप लोग कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आ जाना होगा ई सुविधा के ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि बिहार सरकार का ही है, समाज कल्याण विभाग का वेबसाइट है, बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग का वेबसाइट है। ई सुविधा नाम है, आप गूगल क्रोम में डालोगे esuvidha.bihar.gov.in तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे। वैसे इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। हम आपको ये बात देखिए दोस्तों वीडियो के पहले ही हम आपको बता रहे हैं कि इसमें अब आप जो है फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसमें फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन ही आवेदन करना होगा। ऑनलाइन करने का जुगाड़ यहाँ पर बंद हो चुका है। तो हम आपको इस वेबसाइट पर क्यों लाए हैं वो भी बात हम आपको बता दे रहे हैं। अब देखिए इस वेबसाइट पर आने के बाद जो है अपना आवेदन जो आप ऑफलाइन करेंगे, ब्लॉक में जा करके आपको आवेदन करना है, किस प्रकार से करना है सब कुछ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखिए वीडियो को कहीं पर छोड़िएगा मत, अगर आप लोग को लाभ लेना है तब। जो आपको ब्लॉक से रिसीविंग मिलेगा उनका आप आवेदन आकर के ना यहाँ से आप चेक कर पाओगे और अपना पेमेंट का स्टेटस भी आप इसी वेबसाइट से चेक कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए पहले जो आवेदन होता था वो किस प्रकार से होता था वो हम आपको बता देते हैं। देखिए इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना होता था DSW स्कीम वाले पर, और ये यहाँ पर जो ये लिंक आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना होता था। जैसे इस पर हम क्लिक करते थे इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना वाले ऑप्शन पर। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो आवेदन किस प्रकार से होता था ना वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इसको आप देख के कोई फायदा तो होगा नहीं, लेकिन हम आपको बता दिए कि इस प्रकार से आवेदन होता था। इसमें मैनुअली जो है फॉर्म फिलअप करके बताया गया है, तो आप इसको आकर के देख भी सकते हो जनरल नॉलेज के लिए। तो फॉर्म इस प्रकार से पहले ऑनलाइन ही आवेदन हो जाता था, लेकिन अब आपको जो है ऑफलाइन आवेदन करना होगा। यहाँ पर जब आओगे ना तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, जैसे लॉगिन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड दोस्तों आप लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपके RTPS काउंटर पर ही आवेदन होगा और उन्हीं के आईडी पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन करके आपका आवेदन किया जाएगा। तो फाइनली अब आपको बताते हैं कि आवेदन जो आपको करना है वो किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म जो होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से फॉर्म होगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और इसको जो है आपको भरना है। ये आपका टोटल फॉर्म हो जाता है, ये 7 पेज का है। ये फॉर्म को कहाँ से मिलेगा वो बात पहले आप समझ लीजिए। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा और वहाँ पर हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर सर्च कर देना है कन्या विवाह योजना, ठीक है। कन्या विवाह योजना फॉर्म जैसे लिख करके सर्च करोगे तो आप लोग को ये फॉर्म जो है आ जाएगा। अदरवाइज हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे भी आपको ये फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको डाउनलोड करके इस फॉर्म को भरना है। अब देखिए भरना किस प्रकार से है वो थोड़ा सा समझ लीजिए, तो आपको ज़्यादा आसानी होगा फॉर्म भरने में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है मैं श्रीमती, यहाँ पर जो है लड़की का नाम डालना है, जो अभी नया नया जिसका शादी हुआ है वर और वधु का, तो यहाँ पर लड़की का नाम डालना है, किस डेट में शादी हुआ है वो डेट को यहाँ पर डालना है, और श्री किससे शादी हुआ है उनका नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आवेदिका का नाम, जो मतलब लड़की का नाम ही यहाँ पर फिर से मेंशन करना है। अब यहाँ पर आवेदिका का पिता का नाम, यानी कि जो लड़की है ना उसका पिता का नाम ऊपर में डालेंगे। अब यहाँ पर आवेदिका जो माता का नाम पूछ रहा है तो मम्मी का नाम डालेंगे, लड़की का मम्मी का नाम। और उसके बाद यहाँ पर पति का नाम डालना है, लड़की के पति का नाम। अब जो है आवेदक का उम्र कितना हो रहा है, जो लड़की है उसका उम्र कितना हो रहा है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और नीचे में उसका पति का कितना उम्र हो रहा है वो आप यहाँ पर डालेंगे। अब यहाँ पर पति के पिता का क्या नाम है
वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर जो है कंप्लीट एड्रेस को फिल करेंगे, जैसे गांव का नाम, वार्ड नंबर हो जाता है, डाकघर। ये एड्रेस जो हम फिल करेंगे वो लड़की का एड्रेस को यहाँ पर हमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डाकघर लिखेंगे, नगर लिखेंगे यानी कि पंचायत आपको लिखना है, प्रखंड लिखेंगे, थाना लिखेंगे, अनुमंडल, अनुमंडल का मतलब जैसे कि ब्लॉक आप यहाँ पर डालेंगे, जिला आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से अस्थाई पता पूछा जा रहा है, तो अस्थाई पता आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जैसे कि आपका लड़की का गांव का ही एड्रेस आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। अब नीचे में जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो है लड़की के ही नाम से आपको बनवाना है आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आय प्रमाण पत्र देना होगा, निवास प्रमाण पत्र देना होगा और विवाह संबंधित प्रमाण पत्र देना होगा। आपको जो अपने ग्राम पंचायत में है वार्ड सरपंच के पास और यहां से जो अपना विवाह का एक निबंध प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है, ठीक है। और यहां पर दहेज नहीं लेने के संबंध में जो आपको एक शपथ पत्र लिखवा लेना है और वही शपथ पत्र आपको यहां पर लगने वाला है, तो वो सब आपको लगा देना है। अब विवाह निबंधन प्रमाण पत्र में अपना शादी का कार्ड भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज जो आपको यहां पर फॉर्म आपको फिल करना है, बाद बाकी ये कार्यालय का उपयोग है तो इस सबको आपको नहीं भरना है। अब नीचे करेंगे तो यहां पर आप लोगों जो भी वर वधु है उनका यहां पर एक फोटो आपको चिपका देना है, बाद बाकी ये सब चीज जो मांग रहा है केवल आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ये सब नॉर्मल सा बात है, जो मेन था वो हम आप लोगों को बता दिए, बाद बाकी ज्यादा तो इसमें कुछ मांगा नहीं गया। तो ये सब डॉक्यूमेंट को आपको करना क्या, सबको फॉर्म को भर लेना है और नीचे में जो आपको शपथ पत्र है तो शपथ पत्र को भी आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर टोटल डॉक्यूमेंट को आपको यानी कि पिनअप कर देना है और साथ में जो आपको लगाना है, जैसे कि ये 7 पेज का हो गया। अब इसके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट हम आपको बोले हैं वो सब डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर इसके साथ में अटैच कर देना और सब पर जो है साइन कर देना है, यानी कि लड़के और लड़की दोनों जो भी वर वधु है उनका साइन कर देना है। यहाँ पर आय प्रमाण पत्र इसके साथ में लगाना है, निवास प्रमाण पत्र और शादी का कार्ड जो होगा उसका जेरॉक्स करवा के लगवाना है और दहेज नहीं लेने के संबंध में जो शपथ पत्र आप लिखे हैं ना वो आप इनके साथ में अटैच करना है और पति और पति जो भी वर वधु है उसको उनका दोनों का आधार कार्ड लगाएंगे और जो माता होगा ना यानी कि लड़की का माता उसके माता और पिता का भी आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है साथ में बैंक पासबुक भी आपको लगा देना है इसके साथ में। ये सब डॉक्यूमेंट लेकर के आपको ब्लॉक में जाना है, आरटीपीएस काउंटर पे आपको जमा कर देना है। अब वहां से जो आपको रिसीविंग मिलेगा उसका स्टेटस जो है आप आकर के यही इस वेबसाइट से अपना आवेदन का स्टेटस जो है वो चेक कर पाएंगे। यहां पर आने के बाद रिपोर्ट में आइएगा और यहां पर आने के बाद चेक बेनिफिशियरी स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस को चेक करते रहिएगा कि मेरा आवेदन जो है अभी तक कहां तक पहुंचा है। यहां से जब आपका वेरीफाई हो जाता है पेमेंट आने में दोस्तों लमसम आपको 2 से 3 महीना का समय लग जाएगा, तो आपको 2-3 महीना वेट करना होगा। उसके बाद आप लोग का जो भी पेमेंट होता है यानी कि पेमेंट आप लोग को इस बार जो है 1 लाख रुपया मिलने वाला है, यानी कि 1 लाख रुपया आप दिया जा रहा है तो आप लोग को 1 लाख रुपया सॉलिड ही आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा आपके बैंक अकाउंट में जो है आधार एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। किसके अकाउंट में? जो कैंडिडेट होगा उसके अकाउंट में, ठीक है। तो केवल उसी के अकाउंट में पैसा आएगा, तो उनका अकाउंट भी आपको हम बता दिए किस प्रकार से वेरीफाई करना है। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पूरा प्रोसेस बता ही दिए किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और किस प्रकार से आप लोग को लाभ लेना है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक करके दीजिएगा और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्त वीडियो करते हैं एंड, आपने पूरा वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।